प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आरंभ करते हैं आज के दैनिक लग्नफल और राशिफल को। उससे पूर्व आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज दिनांक 30 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन है। माघशीष माह चल रहा है। कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है और आज एकादशी तिथि 26:15-20 तक रहेगी। आज चंद्रमा कन्या राशि में है और 15 डिग्री पर विद्यमान है। आज हस्त नक्षत्र है और नक्षत्र 20:34-25 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। दर्शकों, आज एकादशी का त्योहार है और जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें आज के दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। आज का राहु काल 14:54-13 से 16:13-38 तक रहेगा और राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:36 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज कोई रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आज मंगलवार का दिन है और चंद्रमा का नक्षत्र है। ऐसे में यदि आज हम वार को और नक्षत्र को यदि देखते हैं तो धन लक्ष्मी योग के समान यह फल देने वाला बनता है और ऐसे में आज हमें हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मात्र आज इतना सा उपाय आप सभी लोग कीजिए। चाहे फिर आपका कोई भी लग्न हो या कोई भी राशि हो, आज के दिन आप कभी भी सुबह, दोपहर, शाम जब आपको समय मिले, अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप गाड़ी ड्राइव करते हुए भी अपने मन के अंदर या बोल करके भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या अपने मोबाइल पर चला करके भी हनुमान चालीसा को सुन सकते हैं। ये उपाय आज आप लोगों को अवश्य करना चाहिए। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको मंगल की विशेषता बताने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर मंगल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाता है और क्यों मंगल के कारण से ही कुंडली को मांगलिक माना जाता है। दर्शकों, मंगल एनर्जी का कारक होता है और आप जानते हैं कि एनर्जी यदि नहीं होगी तो कोई भी कार्य फिर आसानी से संपन्न हो ही नहीं सकता। यदि एनर्जी का फ्लो सही होगा तो वह आपको फायदा पहुंचाती है, यदि एनर्जी का फ्लो सही नहीं होगा तो वह आपके लिए नुकसानदायक होती है। ठीक इसी तरह मंगल की एनर्जी भी यदि पॉजिटिव है तो वह आपके लिए फायदे का काम करती है और यदि मंगल की एनर्जी नेगेटिव है तो वह आपके लिए नुकसानदायक होती है। मंगल मस्कुलर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जिनका मंगल अच्छा होगा वो एक बहुत ही हस्तपुष्ट शरीर के मालिक होते हैं। लेकिन यदि मंगल नेगेटिव हुआ तो ओवरवेट होना, मस्कुलर इंजरी होना, मस्कुलर दर्द होना, बॉडी पेन करना, एनर्जी लेवल का कम होना, ये आप देखेंगे। यदि मंगल अच्छा है तो आपके अंदर वीरता, साहस, ये गुण मिलेंगे और मंगल यदि खराब है तो आप झगड़ालू प्रवृत्ति के कहलाएंगे। साहसी मंगल वाले लोग अच्छे पराक्रम, वीरता वाले कार्य करते हैं, सेना, फौज, पुलिस में होते हैं और जिनका मंगल खराब होता है वो लोग दुष्ट प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं और ऐसे लोगों को आप झगड़ालू, गैंगस्टर या और आप इस तरह के कार्य जिसके अंदर दुस्साहस की जरूरत पड़ती है ऐसे कार्य को करता हुआ आप देखेंगे। इसीलिए मंगल की एनर्जी आपके शरीर के अंदर है ये अलग विषय है, लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अलग विषय है। पॉजिटिव है तो आपके लिए आपकी तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करेगी और यदि नेगेटिव है और आपने उसको कंट्रोल में नहीं रखा तो आप स्वयं अपनी जिंदगी के अंदर अपने पतन का कारण फिर स्वयं बनते हैं। दर्शकों, ये मंगल की विशेषता है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसीलिए मंगल को प्राथमिकता देते हुए ही कुंडली के अंदर मांगलिक दोष का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक कुंडली है या नहीं है। लेकिन उसमें भी एक चीज आपको समझनी है, मांगलिक होना या मंगल का आपकी कुंडली के अंदर ऐसे स्थानों पर होना कोई गलत बात नहीं है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल आपके लिए योग कारक है या नहीं है। यदि योग कारक है तो आपकी बल्ले बल्ले है और यदि नेगेटिव है तो फिर आपको उसको शांत रखने के लिए और उसको सही रखने का कोई ना कोई साधन अवश्य अपनाना चाहिए।
दर्शकों आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का पहले का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:57.44 पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही सूर्य बुध और केतु हैं। धनु राशि के अंदर शुक्रदेव विद्यमान है, मकर राशि में शनिदेव विद्यमान है, कुंभ राशि में बृहस्पति है, वृषभ राशि में राहु है, कन्या राशि के अंदर चंद्रमा है और तुला राशि के अंदर मंगलदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशिफल दे रहा हूं। जो लोग भी अपने लग्न के संदर्भ में जानते हैं उन्हें अपना लग्न फल फॉलो करना चाहिए और जिन्हें अपने लग्न के संदर्भ में पता नहीं है वह अपने नाम राशि के आधार पर राशिफल को फॉलो करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज आपका दिन अच्छा है। छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मार्ग के अवरोध को दूर करके आपको सफलता भी दिला रही है। कहीं से कोई पैसा आने वाला है तो समय पर आ जाए इसकी व्यवस्था भी बनती है। आज कुछ खर्चे हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी आज का दिन आपके लिए बेहतर है और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी कराने वाला है। ऐसे में आज के दिन का पूर्ण प्रतिफल आपको मिले इसके लिए जो मैंने आरंभ में आपको उपाय बताया है वह आपको अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा शांति और धैर्य को रखने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति पंचम भाव के अंदर आपके विचारों को अस्थिर बना रही है। ऐसे में अनावश्यक सोच विचार करके आज आप अपने लिए समस्या ही खड़ी करेंगे, लेकिन यदि आप धैर्य का परिचय देंगे और शांति से आज के दिन को व्यतीत करेंगे, ओवरथिंकिंग से बचेंगे तथा अपने ध्यान को एकाग्र रखेंगे तो फिर आज के दिन आपको किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। छोटी मोटी पेट की तकलीफ आज आपको रह सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आज आपको अवश्य रखना है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में थोड़ी सी परेशानी पैदा करने वाला बन रहा है। आज यदि आप कोई प्रॉपर्टी के लिए लेन देन करने जा रहे हैं तो आज का दिन आपको इस कार्य के लिए नहीं चुनना चाहिए। आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी करता है तथा आपके कार्य क्षेत्र में अनावश्यक व्यवधान भी पैदा करता है। आज परिवार को लेकर के भी कुछ असुविधा आपको महसूस हो सकती है। ऐसे में आज का दिन आप धैर्य से व्यतीत कीजिए, यही आपके लिए शुभ रहेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मौज मस्ती में दिन बीतेगा, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है, एक साथ कई काम आज करेंगे भी और उनके परिणाम भी आपको आज देखने को मिलेंगे। आज आपका मन कहीं बाहर जाकर के एंजॉय करने का बनेगा और आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम भी आपको भाग्य के कारण से अवश्य मिलेंगे। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका पूर्ण प्रतिफल आपको अवश्य लेना चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से संभल करके चलने वाला बनता है। मन के अंदर एक डिप्रेशन की भावना, एंजाइटी आपको महसूस हो सकती है तथा आज ना चाहते हुए भी आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले जिसकी वजह से किसी को कोई चोट पहुंचे, उसके मन को ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। आज आप धन का व्यय भी थोड़ा सा संभल के कीजिए। यदि इन चीजों का आपने ध्यान रखा है तो फिर आज के दिन के कोई नकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलेंगे और आरंभ में जो मैंने उपाय बताया है वह आप आज अवश्य कीजिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला है। अनावश्यक विचारों के कारण से आज आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अत्यधिक सोच विचार आज आपको नहीं करना है। जो परिस्थिति जैसी है उसको वैसे ही लीजिए, उससे आगे बढ़कर कल की कल्पना करके अपने दिन को आज खराब करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़े से धैर्य का परिचय दीजिए तथा पत्नी के साथ भी किसी वाद विवाद को आज आपको जन्म नहीं लेने देना है। यदि इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन फिर आपका बेहतर ही रहेगा। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति आपके 12वें भाव में बन रही है जो इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप कुछ खर्च भी करेंगे और वो खर्च आपके व्यापार के लिए होगा, आपके कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए होगा। ऐसे में यदि आज आप कोई अपने लंबे फायदे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर बनता है। मित्रों की सलाह को लेकर के भी आज आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मन प्रसन्न भी है, संतान को लेकर के भी आज आपका दिन अच्छा रहेगा। उनके संदर्भ में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आज आपका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर रहेगा और आप हर हाल में आज अपने कार्य के परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए लालायित भी अवश्य रहेंगे।
आज का दिन बेहतर है और आपको लाभ भी दे रहा है, इसीलिए आज के दिन का पूर्ण सदुपयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। तथा संतान का सहयोग यदि आज आपको मिलना है तो उसे भी आप अवश्य लीजिए, तथा संतान के साथ मिलकर के कोई भावी योजना आप बना रहे हैं तो आज उसके सफल होने की संभावना भी अवश्य बनती है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी सावधानी रखकर कार्य करने का बन रहा है। आज आप किसी भी कार्य को जब करेंगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आरंभ के अंदर कुछ रुकावटें आ रही हैं, उसके कारण से आपको व्यथित नहीं होना है। यदि थोड़ा सा मेहनत आप कर रहे हैं और उसको करने से यदि आपके काम सही हो रहे हैं तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है। आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो करिए, लेकिन किसी भी तरह से अपने कार्य के प्रति लापरवाही आज आप मत रखिए। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपका बेहतर होगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन यात्राओं को टालने के लिए अच्छा रहेगा। अनावश्यक यात्राएं आज आपको करनी पड़ सकती है और इनसे आज आपको बचना भी चाहिए। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तथा पिता को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको रह सकती है। ऐसे में मैंने जो आरंभ में आपको उपाय बताया है वह आप अवश्य कीजिए। यदि आप वह करके आज अपने दिन को आरंभ कर रहे हैं तो किसी भी तरह के फिर कोई नकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, दिन अच्छा है लेकिन फिर भी आज आप अपने मन के अंदर कुछ ऐसी परेशानियों को महसूस कर रहे हैं जिसके कारण से उदासीनता आज आपके ऊपर हावी है। आज आपका मन किसी से बातचीत करने का नहीं बन रहा है। परिवार में भी आज आपको कुछ ऐसा माहौल मिल रहा है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा दुखी और परेशान है। ऐसे में आज धैर्य के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए, यही आपको आज करना भी चाहिए। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति सप्तम भाव के अंदर आपके विचारों को मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो कर ही रही है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा और पार्टनरशिप में भी काम आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, केवल सोच विचार करके ही आज नहीं बैठना है बल्कि उन विचारों को अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई भी करना है, तभी आज आपको उसके पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होंगे। दर्शकों, ये मैंने आपको आज के गोचर के आधार पर लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।